डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेवल 2 का क्वेश्चन 12 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 12 से। इसमें अपने को क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स एंड कायरल सेंटर्स इन ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12। इसके सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अपने को स्टीरियो सेंटर एंड कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अपन स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन देख लें, फिर कायरल सेंटर की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बाय इंटरचेंजिंग ग्रुप्स और एटम्स अक्रॉस दैट सेंटर इफ गेट स्टीरियो आइसोमर नोन एज स्टीरियो सेंटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं CH3CH CH3। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर अपन देखें तो कौन कितने, एक स्टीरियो सेंटर ये, एक स्टीरियो सेंटर ये। क्यों, क्योंकि इस पर यदि ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे तो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर मिल जाएगा। कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 है, ये अपन ने कॉन्स्टेंट रख दिया। अब एक कार्बन के अलोंग अपन ग्रुप्स को इंटरचेंज कर रहे हैं कि H इधर नीचे आ जाए और CH3 ऊपर हो जाए। तो इंटरचेंज अपन कर लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये ग्रुप इस तरह से आ जाएगा, CH3 ऊपर चला जाएगा, H यहाँ पर हो जाएगा और इस तरह से। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये क्या है, सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है, एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर है। इसलिए ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने को चेक करना है, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है तो वहाँ पर ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, स्टीरियो सेंटर में काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कायरल सेंटर, कि कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी। कायरल सेंटर अपने पास ऐसा सेंटर होगा जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, कि जैसे कि एक कार्बन है, कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा और इसे कायरल सेंटर भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अपन अब क्या करेंगे, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे हर एक मॉलिकुलर फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में, फिर अपने को उनमें स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर काउंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास जो दिया गया वो है C6H12, जिसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपन कैलकुलेट करेंगे तो वन आएगा, यानी एक पाई बॉन्ड या एक रिंग होगा। बट यहाँ पर अपने को मेंशन किया केवल ओपन चेन अपने को कंसिडर करना है। ठीक है, तो सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छः कार्बन है। इन छः कार्बन पे सबसे पहले अपन पोजीशंस चेंज कर लेंगे किसकी, डबल बॉन्ड की। तो यहाँ पे थ्री पॉसिबल हो सकते हैं, किस तरह से, कि हमारे पास पहले वन पोजीशन पे आ गया, दूसरा सेकंड पोजीशन पे आ गया, फिर थर्ड पोजीशन, यानी हेक्सीन 1, यहाँ पे 2 हेक्सीन और यहाँ पर 3 हेक्सीन, ये हो गया। इसके बाद में अपने पास क्या हो सकता है, पाँच कार्बन से तीन कार्बन, चार पाँच कार्बन पे चले जाएगा, यानी 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन आप कहाँ रखें, डबल बॉन्ड की पोजीशन अपन यहाँ पे रख ले। अब कार्बन की पोजीशन एक यहाँ पर हो सकती है, फिर पांच कार्बन ही रखें, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। फिर अपन देखें कि कार्बन की पोजीशन कहाँ पे, कार्बन की पोजीशन यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे, पाँच कार्बन ही रहेंगे पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड अपने पास यहाँ पर आ गया। अब मिथाइल कहाँ कहाँ लग सकता है, मिथाइल अपने पास यहाँ पे एक बार लग सकता है। दूसरा केस अपन देखें तो दूसरे केस में मिथाइल अपने पास यहाँ पे लग सकता है। इन सब के IUPAC नेम क्या हो रहे हैं, डिफरेंट IUPAC फॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह से अपन देखें यहाँ पे, यहाँ पर इसका IUPAC नेम लिखने के लिए क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसके अलावा अपन अब क्या करेंगे, अपन में पाँच कार्बन से चार कार्बन पे चेन को ले आएंगे। अब चार कार्बन पे चेन ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए 1 2 3 4। अब चार कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड अपन ने यहाँ पे रख लिया। अब दो कार्बन और अटैच करने, दो कार्बन अटैच कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे हो जाए, एक यहाँ पर हो जाए। दूसरा केस अपने पास कैसा हो सकता है, दूसरा केस अपने पास दोनों कार्बन यहाँ पर अटैच हो जाए। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसके अलावा अपने पास क्या होगा, और कोई पोजिशन नहीं है तो डबल बॉन्ड की पोजिशन शिफ्ट करते हैं चार कार्बन, चार कार्बन में डबल बॉन्ड की पोजिशन शिफ्ट कर दी, फिर दो कार्बन अपन ने लगा दी यहाँ पर, CH3 CH3। ठीक, इसमें अब अपने पास यहाँ पर देखें चार कार्बन वाले केस में जब डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे था तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर अपने पास बन सकता है। कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ पर रखिए आप और यहाँ पर क्या करें आप, CH2 CH3 ये रख दीजिए, इथाइल ग्रुप लगा दीजिए दो मिथाइल की जगह, तब इसका IUPAC नेम भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं वो सभी डिफरेंट है। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर्स आइसोमर जो मिलेंगे ओपन चेन में वो कितने मिल जाएंगे, 30। अब अपने को काउंट करना है यहाँ पर स्टीरियो सेंटर्स। तो स्टीरियो सेंटर कौन से होंगे,
जहाँ पर स्टीरियोआइसोमेरिज्म हो रही हो, डायरेक्टली ये देखना है। तो यहाँ पर अपने पास देखें तो यहाँ पर ये CH2 है इस सेंटर पे, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, तो यहाँ पर एक भी स्टीरियो सेंटर नहीं होगा, यानी आप रोटेट करते चलिए सेम ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अपन देखें तो इस कार्बन पे हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस पे भी दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो मैं स्टार मार्क करता चल रहा हूँ वो दोनों स्टीरियो सेंटर है। यहाँ पर अपन काउंट करें तो ये दोनों स्टीरियो सेंटर है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो भी नहीं है, यहाँ पर भी देखेंगे तो नहीं है। फिर अपन देखें तो यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर भी GI नहीं होगा। यहाँ पर अपन चेक करें तो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही GI शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ इथाइल जुड़ा हुआ है, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे तो स्टीरियो सेंटर दो हो जाएंगे। यहाँ पर अपन चेक करें तो यहाँ पर ये सेम ग्रुप है तो GI नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा तो स्टीरियो आइसोमर नहीं मिलेंगे बाय इंटरचेंजिंग ग्रुप ऑफ एटम्स अक्रॉस दैट एटम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर चेक करें तो नहीं होगा, यहाँ पर भी अपने पास नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास स्टीरियो सेंटर जो है वो काउंट करें तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे 2 + 2 + 2, ये 6 हो गए, 6 + 2 8, तो टोटल स्टीरियो सेंटर्स यहाँ पर जो है वो है 8। क्लियर है। इसके बाद कायरल सेंटर अपने को यहाँ पर चेक करना है। कायरल सेंटर ऐसा कार्बन होगा जिसे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, तो कायरल सेंटर अपन देखें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन में देखें चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एक कायरल सेंटर ये हो गया। यहाँ पर देखें तो ये दोनों ग्रुप सेम है तो कायरल सेंटर नहीं होगा। इस पे अपन चेक करें तो भी सेम ग्रुप है, यहाँ पर कायरल सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज ही रहेगा, तो sp3 हाइब्रिडाइज अपने पास और कोई भी सेंटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है, केवल एक ही कार्बन ऐसा है जहाँ पर क्या हो रहा है कार्बन कायरल अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कायरल सेंटर्स कितने हैं, टोटल सभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में एक ही कायरल सेंटर यहाँ पर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है सेकेंड C6H12 एक्सक्लूडिंग साइक्लोप्रोपेन रिंग, तो इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे तो साइक्लिक रिंग वाले बनाने अपने को केवल यहाँ पर, क्योंकि तो अपन ने ओपन चेन वाले यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने को साइक्लिक कंसिडर करने केवल। ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, फिर साइक्लोपेंटेन और एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, फिर साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन यानी दो कार्बन, फिर दो कार्बन के बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा इस तरह से, फिर मिथाइल भी दो तरह से हो जाएंगे यहाँ पर, और ये 1-3 पोजिशन पे। ठीक है, अब स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन अपन ने प्रीवियसली देखी है कि ग्रुप ऑफ एटम्स को चेंज करें, तो यहाँ पर किसी में भी स्टीरियो सेंटर नहीं है, यहाँ पर ये दोनों ही कायरल कार्बन है, यानी ये स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव करेंगे, ये दोनों भी स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोजिशन चेंज हो रही है, जैसे कि हमारे पास क्या करें, एक तरफ आपने कॉन्स्टेंट रख दी मिथाइल की, अब यहाँ पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक तरफ इथाइल जुड़ा हुआ है, यानी सॉरी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इनकी पोजीशन यदि आप चेंज कर दें, एक तरफ तो कांस्टेंट है कार्बन की, यहाँ पर आपने पोजीशन चेंज कर दी, वेज पे एच आ गया, डैश पे CH3 आ गया, तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, ये हमारे पास सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बन जाएगा, तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, 4। और कायरल सेंटर के लिए पूछें तो कायरल सेंटर भी यहाँ पर देखें तो कायरल सेंटर चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों जिनसे वो ही ग्रुप होंगे, तो कायरल सेंटर यहाँ पर केवल ये दो ही होंगे, यहाँ पर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये कायरल सेंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 और H तो जुड़ा हुआ है, बट इधर से जाएंगे तो सेम एनवायरनमेंट है, इधर से जाएंगे तो भी सेम एनवायरनमेंट है, तो कायरल सेंटर केवल 2 होंगे, बट स्टीरियो सेंटर यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अपने पास देंगे तो ये इस तरह से बन सकता है कि यहाँ पर एक बार आपने CH3 सिस ट्रांस बना दिए, सिस होगा और एक ट्रांस बन गया, यानी एक ही केस में आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर इस तरह सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें स्टीरियो सेंटर काउंट करने सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, तो अपने पास C6H14 ये एल्कीन है, जनरल फॉर्मूला से अपन को पता लग गया है, तो एल्कीन के 6 कार्बन है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से 5 कार्बन पे जाए, यानी 1 2 3 4 5, अब इसमें मिथाइल की पोजीशन लिख दे, तो यहाँ पे 2 पे एक मिथाइल है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 पे एक मिथाइल है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपने को कार्बन चेन और रिड्यूस करनी है, यानी 1 2 3 4, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसी में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर ये टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, बट यहाँ पर अपने पास स्टीरियो सेंटर यानी स्टीरियो आइसोमर या कायरल कार्बन अपने को देखना है, तो किसी भी ऑप्शन में अपने पास यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं मिल रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर में, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो स्टीरियो सेंटर होंगे और जीरो ही कायरल कार्बन होगा, क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट है अपने पास C3H6Cl2, इसका फोर्थ है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल लीजिए। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी C+1 माइनस H+X माइनस N/2 यानी 4 - 4 = 0। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है, यानी एक पाई बॉन्ड एक रिंग नहीं होगी। तो अपने पास सबसे पहले तीन कार्बन अपने ले लिए, तीन कार्बन पे दो क्लोरीन जुड़े हुए, यानी यहाँ पे ये दो क्लोरीन जुड़ गए। इसमें आप पोजीशन चेंज कर दीजिए क्लोरीन की, यहाँ पर आपने क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर दी, ठीक। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपन इन क्लोरीन्स की पोजीशंस को डिफर कर सकते हैं, यानी 1-2 पोजीशन पे लगा दे या 1-3 पोजीशन पे लगा दे, क्लियर। इसके अलावा अपने को कोई दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कायरल सेंटर चेक करेंगे। तो यहाँ पर किस में कायरल सेंटर मिल रहा है, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर केवल एक ही कायरल सेंटर मिल रहा है। यहाँ पर अपन काउंट करें तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, यही कायरल सेंटर क्या होगा, स्टीरियो सेंटर भी होगा, क्योंकि इसके अलोंग यदि आप रोटेशन करेंगे तो एक बार आर फॉर्म बनेगा और एक बार एस फॉर्म बनेगा। तो यहाँ पर कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर दोनों ही क्या है, 1-1 है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं C5H12, यानी अपने पास फिफ्थ, पांच कार्बन का एल्कीन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन का एल्केन, इसको चार कार्बन बदलेंगे यानी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे अपन ने मिथाइल लगा दिया। फिर इसको तीन कार्बन बदल देंगे यानी 1, 2, 3, इसमें तीन कार्बन में अपन क्या करेंगे, एक बार मिथाइल यहाँ पर, एक बार मिथाइल यहाँ पर। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है इनका, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी अपन देखें तो कोई कायरल कार्बन, कायरल सेंटर या नहीं है, तो यहाँ पर भी अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो ही स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे और जीरो ही कायरल कार्बन हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए CH3 CH3 CH3, ठीक। नेक्स्ट है सिक्स्थ, यहाँ पर अपने पास C5H10, ऑल साइक्लिक आइसोमर्स का फॉर्मेशन करना है। तो हमारे पास सिक्स्थ में आप देखिए C5H10, इसका अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालते तो क्या आएगा, 1, यानी एक पाई बॉन्ड या एक रिंग हो सकता है, बट यहाँ पर अपने को पूछा गया है साइक्लिक, तो साइक्लिक आइसोमर्स अपन बनाएंगे, यानी पांच मेंबर की यहाँ पर रिंग है। इसके बाद फोर मेंबर्ड है, फोर मेंबर्ड पे मिथाइल अपन ने बाहर रख दिया। फिर टू मेंबर्ड है, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2। इसी को आप क्या कर सकते हैं, थ्री मेंबर्ड रिंग को ही दो कार्बन में डिसोसिएट कर सकते हैं, मिथाइल मिथाइल में, तो यहाँ पर मिथाइल मिथाइल डिसोसिएट हो गया। फिर अपन पास क्या हो जाएगा, इनकी पोजीशन चेंज कर दे, इस तरह से पोजीशन चेंज हो गई। इसके अलावा और कोई आइसोमर पॉसिबल है यहाँ पर, नहीं है। अब कायरल कार्बन अपन चेक करें तो केवल कायरल कार्बन यहाँ पर और यहाँ पर अपने को मिल रहा है, उसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर भी मिलेंगे अपने को, सिस और ट्रांस, तो दोनों ही स्टीरियो सेंटर भी हो जाएंगे। तो किस तरह से स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं यहाँ पे, कि एक बार क्या केस हो जाए कि दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप वेज पे हो, अपर अपवर्ड हो, और यहाँ पर दूसरा केस जो बनेगा उसमें क्या बनेगा, एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर दो कायरल सेंटर और दो स्टीरियो सेंटर है। नेक्स्ट है C5H11Br, इसका यदि अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एट्थ का यानी C5H11Br, इसका आप डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालेंगे तो 1 आएगा। तो यानी एक, सॉरी, यहाँ पर अपन कैलकुलेट करते हैं 5+1 माइनस H+X - N/2 यानी 0 आएगा। तो कोई पाई बॉन्ड या रिंग वहाँ पर नहीं होगी, तो पांच कार्बन के अपन रिंग बना ले, कार्बन चेन बनाते हैं, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे पांच कार्बन ही बन गए। अब ब्रोमीन की पोजीशन आपको सिंपली लगानी है, यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन लग गई। दूसरा केस अपन ने ब्रोमीन का कहाँ लगा दिया, दूसरे ब्रोमीन का यहाँ लग जाएगा। थर्ड केस अपने पास क्या हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह से अपन नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चार कार्बन ये इस तरह से, ब्रोमीन अब यहाँ पर लग जाएगा एक बार। दूसरा केस अपने पास क्या होगा, अब हमारे पास ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट केस है, ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा, फिर अपने पास ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा। हर एक का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपने पास डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें तो हमारे पास क्या है, पांच कार्बन की चेन है, तो ब्रोमोन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये अपने पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अब इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में अपन कायरल कार्बन और सेंटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन देखिए, ये कार्बन कायरल कार्बन है, चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर अपने पास और जगह चेक करें तो यहाँ पर इस कार्बन पे हमारे पास कायरल कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अपने पास कोई चेंजेस नहीं है। इस कार्बन पे देखें तो यहाँ पर CH3, CH2Br और CH2CH3 चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अपने पास और कहीं पर भी कायरल कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, तो ये तीन कायरल कार्बन ही क्या होते हैं, कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर। तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, थ्री थ्री हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ। इसमें अपने पास C4H6 मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। C4H6 का अपन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4+1 - H+X - N/2, यानी अपने पास 5 - 3 = 2, यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आ रहा है, यानी एक पाई बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, दो पाई बॉन्ड हो सकती हैं, दो रिंग हो सकती है। क्लियर है? तो इसके टोटल साइक्लिक आइसोमर्स का ही अपने को फॉर्मेशन करना है, यानी अल्काइन नहीं बनाना है अपने को, एक रिंग होगा और एक डबल बॉन्ड होगा। तो इसके लिए अपने पास सबसे पहले जो रिंग बन सकती है पॉसिबल, वो चार मेंबर की रिंग बन सकती है और इसमें डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद थ्री मेंबर रिंग बन सकती है और एक कार्बन बाहर आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड की पोजिशन अपन देखें तो कहाँ कहाँ आ सकती है, एक बार डबल बॉन्ड की पोजिशन यहाँ पर आ सकती है। दूसरा केस अपन देखें तो कैसे हो सकती है, दूसरे केस में अपने पास यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजिशन आ सकती है, थर्ड केस में अपने पास डबल बॉन्ड की पोजिशन यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, ये केसेस हो गए। इसके अलावा अपने को क्या था, यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 है तो दो रिंग भी हो सकते हैं, यानी बाईसाइक्लो कंपाउंड भी अपने पास बन सकता है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड अपने पास कुछ इस तरह से बन सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितने आइसोमर्स मिल रहे हैं, यहाँ पर टोटल 5 आइसोमर्स अपने को मिल रहे हैं। अब इनमें अपन देखें कि स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर, तो रिंग में अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम 8 मेंबर रिंग होना जरूरी है सिस और ट्रांस बनने के लिए, बट यहाँ पर अपने पास वो नहीं है तो GI नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, और कायरल सेंटर अपन चेक करें तो यहाँ पर अपने पास कोई भी कायरल सेंटर अवेलेबल भी नहीं है, तो कोई भी स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो 0 और 0 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाइन्थ अपने पास C7H14, इसमें अपने को क्या देखना है, साइक्लोपेंटेन रिंग, क्योंकि यहाँ पर DU क्या होगा, DU1 होगा। इसमें टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का अपने को फॉर्मेशन करना है, बट मेंशन क्या कर दिया है कि आप साइक्लोपेंटेन रिंग ही बनाइए। तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप साइक्लोपेंटेन रिंग बना दीजिए जो DU1 को सेटिस्फाई कर देगा, और दो कार्बन बाहर रख लीजिए। तो दो कार्बन यानी इथाइल सबसे पहले बाहर रख दिया, इसी इथाइल को क्या कर सकते हैं, दो मिथाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दो मिथाइल में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसकी पोजिशन चेंज कर दी, पोजिशन चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 1 2 ये एक पोजिशन बन जाएगी, एक 1 3 पोजिशन पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब अपने को यहाँ पर कायरल सेंटर अपने को चेक करने, तो ये कार्बनिक कायरल सेंटर है, ये कार्बनिक कायरल सेंटर है, यहाँ पर चेक करें तो ये दोनों कायरल सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर दोनों कंपाउंड में कायरल सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने यहाँ पे 4, टोटल कायरल सेंटर भी 4 ही हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अपन टेंथ देखें। टेंथ में क्या बोला गया है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अलोंग आप देखें तो इधर जाएंगे तो अलग एनवायरनमेंट है, इधर जाएंगे तो अलग एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ पर, या GI पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये कार्बन भी स्टीरियो सेंटर हो जाएगा, ये कार्बन भी स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। इसके साथ ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, जिसके अलोंग अपने को R और S स्टीरियो आइसोमर्स मिल सकते हैं। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने पॉसिबल है यहाँ पर, 3। और यदि कायरल सेंटर पूछे तो कायरल सेंटर केवल एक ही है यहाँ पर, जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कायरल सेंटर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1 कायरल सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टीरियो सेंटर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल अलोंग दिस डबल बॉन्ड। ठीक है, बट यहाँ पर ये कायरल सेंटर नहीं है, तो स्टीरियो सेंटर कितने हैं यहाँ पर, स्टीरियो सेंटर है यहाँ पर 2 और कायरल सेंटर 0। इसके बाद अपन देखें तो यहाँ पर इस बॉन्ड के अलोंग और इस बॉन्ड के अलोंग यदि GI हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे आप देखें तो दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए, इधर से जा रहे हैं तो भी सेम है, इधर से जा रहे हैं तो भी सेम है। क्लियर, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI पॉसिबल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। बट यहाँ पर ये कार्बन कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है, जिसके अलोंग अपने पास GI पॉसिबल हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पर CH3 ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर CH3 ये जुड़ा हुआ है। एक बार क्या हो सकता है, दोनों का केस वेज वेज का हो सकता है इस तरह से, और डबल बॉन्ड सी मिथाइल मिथाइल, एक तो ये हो गया वेज केस। दूसरा क्या हो जाएगा, एक बार वेज पे हो जाएगा और एक बार डैश पे हो जाएगा।
क्लियर है, इस तरह से। तो ये दोनों सेंटर क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेंटर ही अपने पास स्टीरियो सेंटर एज वेल एज कायरन सेंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने स्टीरियो सेंटर है, टू। डबल बॉन्ड वाले स्टीरियो सेंटर में क्यों इंक्लूड नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, कार्बन कार्बन पे दोनों इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। जैसे इन दोनों कार्बन पे ग्रुप सेम जुड़े हुए, पर इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने पास होती है, अदरवाइज नहीं होती है। क्लियर है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या चेक करना है, इसमें हमारे पास देखिए इस कार्बन के अलोंग दोनों आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जे नहीं होगा डबल बॉन्ड के अलोंग, बट यहाँ पर अपन देखें तो ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर एक ही स्टीरियो सेंटर होगा और एक ही कायरल सेंटर होगा, तो वन वन ये हो जाएंगे। इसके बाद अपन चेक करें तो कायरल सेंटर अपन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन, इधर CH2 और H, इसके अलावा और कहीं पर भी चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए कार्बन पे, नहीं जुड़े हुए, तो एक ही कायरल कार्बन है और एक ही स्टीरियो सेंटर है, जिसके अलावा अपने को R और S कॉन्फिग्रेशन का कंपाउंड अपने को मिलेगा। ठीक, तो स्टीरियो सेंटर यहाँ पर वन है और कायरल सेंटर भी अपने पास वन है। नेक्स्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अलोंग जो आई चेक करना है, तो अपने पास दोनों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इनसे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्बन से दो CH3 CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन है, इधर से रिंग ऐसा है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है डबल बॉन्ड के अलोंग, तो ये कार्बन अपने पास एक स्टीरियो सेंटर है, ये नाइट्रोजन भी एक स्टीरियो सेंटर है, और ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये कायरल कार्बन है। ठीक है, जो भी एक स्टीरियो सेंटर की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पर टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो जाएंगे, थ्री, और कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे, कायरल कार्बन हो जाएगा केवल एक। ठीक है, तो इस तरह हमने ये सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर ये न्यूमेन प्रोजेक्शन है, इसका अपन स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा, इस कार्बन से यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ET, इसके बैक पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बैक पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, और इसकी कार्बन से हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और CH3। ठीक है, तो इसको अपन गौर से देखें कि अपने पास स्ट्रक्चर कैसा है, ये तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH ET CH, CH3 CH D CH D और CH3, तो सिमिलर ग्रुप तो है नहीं, बट ये तीनों के तीनों कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तो सेम हाइड्रोजन के आइसोटोप है, पोलारिमीटर ट्यूब में इन दोनों को डिफरेंट ग्रुप माना जाता है, डिफरेंट ग्रुप मानेंगे तो ये कार्बन क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों कायरल कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर के कितना नंबर हो जाएगा, इसमें स्टीरियो सेंटर भी थ्री है और कायरल सेंटर भी थ्री है, यानी हर एक कार्बन के अलोंग R और S कॉन्फिग्रेशन यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है 2,4-hexadiene, 2,4-hexadiene का आप स्ट्रक्चर देखें, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पे यहाँ पर, 4 पे यहाँ पे, इस तरह से स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो हमारे पास इस कार्बन के अलोंग आप चेक करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें ये कार्बन, ये स्टार मार, ये स्टार मार और ये चारों स्टार मार, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, डबल बॉन्ड के लोग यहाँ पर भी पॉसिबल है, तो दोनों स्टीरियो सेंटर है और ये दोनों स्टीरियो सेंटर है, तो टोटल यहाँ पर कितने कायरल कार्बन और कितने कायरल सेंटर अवेलेबल है ये चेक करना है। तो यहाँ पर अपने पास स्टीरियो सेंटर कितने, यहाँ पर स्टीरियो सेंटर तो अपने पास चार है, बट कोई कायरल कार्बन है नहीं है, कायरल कार्बन के लिए आपको एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए जो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो कायरल सेंटर यहाँ पर हो जाएंगे जीरो। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, इसके अलावा ये कार्बन अपन एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, CH OH CH3 और यहाँ पे वैलेंसी, तो ये कार्बन भी अपने पास एक कायरल कार्बन हो जाएगा। उसके बाद ये कार्बन देखें तो इस कार्बन पे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन भी अपने पास कायरल कार्बन हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर कितने स्टीक कार्बन है जो एज ए डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं, तीन, तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर कितने हो जाएंगे, थ्री, और कायरल कार्बन भी तीन है, इसलिए कायरल सेंटर्स भी तीन हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन सो यू डोंट मिस लेटेस्ट वीडियोज फ्रॉम अवर वीडियो सॉल्यूशन सीरीज एंड एजुकेशन रिलेटेड स्टफ।
फ्रॉम जीएम एकेडमी।